नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड डेलेट 2014 का पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है और पहले हम दो पार्ट इसके लागे हैं और आज मैं यहाँ पर आपको इसका मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले आपको ये बता दूं कि हम आपके लिए 10 मॉडल पेपर बना चुके हैं इसके, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इन्हें ले सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक जो मॉडल पेपर है, हमने 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर बना रखा है, तो कुल मिला के आपके पास 2000 क्वेश्चनों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो जाता है, जो कि आपके आने वाले डेलेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा। क्योंकि जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पर आपकी अगर थोड़ा प्रैक्टिस होती है तो आप आसानी से यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कि एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत है 3.5 किलोग्राम, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो हमें क्या निकालना, अध्यापक का भार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात है कि 32 छात्र है और इसमें से जो एवरेज है इनका वो है 3.5 किलोग्राम, तो टोटल आपके पास जो हो जाता है 976 किलोग्राम टोटल सभी छात्रों का वजन होता है। जब आप अध्यापक को जोड़ते हैं तो 33 लोग हो जाते हैं और अब जो वजन जो एवरेज होता है वो क्या है, 500 ग्राम की वृद्धि हुई, अर्थात 31 केजी आपका एवरेज हो गया। तो टोटल जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 1023 किलोग्राम। तो अगर मुझे टीचर का निकालना, देखो 32 स्टूडेंट का टोटल वजन इतना है और टीचर सहित है 1023, तो अगर 1023 में से 976 अगर घटाएंगे तो जो निकलेगा वजन वो क्या है, जो एक्स्ट्रा आया अर्थात टीचर, जो 33वां टीचर आया वो हो जाएगा। तो 1023 में से आप 976 अगर घटाते हैं तो ये 47 केजी ग्राम आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब बी वाला आंसर यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 102, यदि किसी संख्या के 1/2 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, आपको यह पता करना है। देखो संख्या का एक भाग माना वो संख्या x है, तो x का 1/2 भाग मतलब x बाई टू, इसमें से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे x बाई थ्री, ठीक, और संख्या का 1/4 अर्थात x बाई फोर, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये संख्या से 4 अधिक होता। तो संख्या आपकी x है, हमने संख्या को मान लिया 4, x मान लिया, तो x प्लस 4 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम 12 हो गया नीचे, ठीक है, तो इसको आप 12 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ हो जाएगा ये 6x, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3x और ये हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 और 3 = 13x, 13x/12 बराबर x प्लस 4, ये आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13x बराबर ये आपका 12x हो जाएगा और 12 × 48 हो जाएगा, 13 में से 12 गया तो x बराबर 48, तो जो वो संख्या है वो 48 है, अर्थात जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है कि 96 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लॉट है, एक वर्गाकार प्लॉट है जो 96 मीटर लंबा है, के बदले हरीश उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लॉट चाहता है, यदि आयताकार प्लॉट की लंबाई 144 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करनी, ये पूछ रहा है। अब देखिए 96 मीटर लंबा एक वर्गाकार प्लॉट है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 96 × 96 96 का स्क्वायर, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 9216 यहां पर क्या है मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई आपको दे रखा है 144, ठीक है, और चौड़ाई बी आपको ज्ञात करनी है, तो बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया आपका सेम है, तो 9216 एक ही क्षेत्र खेत है, ठीक है, तो यहां से आप बी निकालेंगे तो 9216/144, ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इसका 64, तो 64 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी, इसका मतलब जो सी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, धनात्मक संख्या है उनका योगफल 63 है, यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो समीकरण क्या होगी, ठीक है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या की वो दुगुनी है तो समीकरण आपकी क्या बन जाएगी, ये ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये संख्या x है तो दूसरी संख्या दुगुनी है, इसका मतलब दूसरी संख्या इसकी आधी है, तो एक संख्या x हो गई और दूसरी क्या है x बाई टू है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या है x बाई टू, तो वो संख्या क्या है x है।
तो इनका जो जोड़ क्या है, प्रश्न पूछ रहा है एक्स प्लस एक्स बाई टू बराबर कितना है 63। अब हमने क्या करना है कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी इनमें से, इनके जैसे इसकी कौन सी इक्वेशन बन सकती है वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, चलो ये आपका 63 हो गया, तो x को उधर ले जाते हैं क्योंकि यहां पर 63 माइनस x और x माइनस 63 है। तो कैसे हो सकता है, जब मैं x को उधर ले जाऊंगा तो 63 माइनस x और इधर बच जाएगा आपका x बाई टू। तो 63 माइनस x के जैसे कौन सी है, एक b वाला ऑप्शन है और एक d वाला ऑप्शन है। देखो b वाले ऑप्शन में x ऊपर है और यहाँ x नीचे, तो अब देखो यहाँ से कौन कहाँ जा सकता है। देखो यहाँ x ऊपर ही हो सकता है, x बटे 63 माइनस एक्स और दो ऊपर चले जाएगा, इसको मैं यहाँ ले गया और इसको नीचे ला गया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये वाली इक्वेशन किसके जैसी है, b वाले के जैसी है, तो इसलिए b वाला ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनानी है कि भाई जो चार ऑप्शनों में से हमें मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 105 कि 5 सप्ताह और 12 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो 5 सप्ताह की अगर बात करें तो सबसे पहले हम दिन देखेंगे, तो 5 सप्ताह कितने हो गए, 35 दिन हो गए, और प्लस 12 दिन और बोल रहा है ये, तो जो टोटल हमारे पास है वो 47 डेज होते हैं। और ये बोले कितने घंटे, तो इसमें आप 24 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 24 से गुणा अगर आप करेंगे तो 1128 जो वाला ए वाला ऑप्शन है यही इसका सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अशोक के बाग का परिमाप है 40 मीटर, यदि बाग की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है तो बाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अशोक के जो बाग का परिमाप है, अब यहां पर ये क्या है, एक आयताकार कोई बाग है। ठीक है, तो आयताकार बाग है, तो जो परिमाप का जो फॉर्मूला है 2l + b बराबर कितना है 40 मीटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि बाग की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 2/3x है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लंबाई इसकी x है, तो जो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2/3x हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2 लंबाई है आपकी x प्लस चौड़ाई है 2/3x बराबर 40, इस तरीके से हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 40 का उधर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 2 तो 5x/3 बराबर 40, ये हो जाएगा 5x/3, इधर हो जाएगा 2, इधर 20 हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा, 20 × 60/5 तो 12 मीटर। तो जो ये वाला 12 मीटर है बी ऑप्शन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या है जिसे 4, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 7 का छोटे छोटा गुणनफल हमने निकाला है, जो 4, 12 और 16 से क्या हो गया इसका, जो शेष 3 बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो जो 4, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 16 × 32, 48 तो 48 हो जाएगा। अब वो 7 का गुणज कौन सा होगा भाई, शेष हमें 3 बचाना है, तो हम क्या करेंगे, 48k + 3 इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब हो सकता है कि 48 + 3, अब देखो 48 + 3 क्या हो जाएगा, 51, तो 51 में 7 का भाग जाता है तो नहीं जाता है। ठीक है, तो 52 के में 2 रखेंगे तो 42 × 2 = 96 + 3, तो 96 + 3 होता है 99, 99 में भाग जाता है, नहीं जाता है। अब हम के का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो के का मान अगर आप 3 रखेंगे तो 48 × 3 तो 3 × 24 = 144 + 3 कितना हो जाएगा, 147 में 7 का भाग जाता है, हाँ तो इसमें जा रहा है 7 × 2 = 14 और 7 × 7, तो 147 क्या है, वह छोटे से छोटा गुणज है 7 का जो इनसे विभाजित होता है और 7 से अगर भाग देंगे तो 3 शेष बचता है। ठीक है, तो 147 क्या है, वो एक संख्या है। ठीक है, तो 7 का गुणन है और इन तीनों से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा शेष, 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 108 एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे हैं, 2 सेब हैं और 5 केले हैं, यदि इनमें से एक फल यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की यहां पर बात हो रही है कि आपके 3 संतरे मतलब टोटल जो फल है वो कितने, 3, 2, 5 और 5, 10 है हमें संतरे की, जो संतरे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 3/10 हो जाएगी, क्योंकि जो आपके इवेंट हो सकते हैं टोटल वो 10 है और संतरे की क्या है, चांसेस क्या है, 3 है। और दूसरा केले का क्या है, टोटल तो आपके 10 है ही, 3, 2, 5 और 5, 10, और केले के हो सकते हैं 5,
3/10 और 5/10। अब ये बोले कि या दोनों के बारे में बात करें तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 3 8/10, ठीक है। तो 2 6 8, 4 5, तो 4/5, अर्थात जो कौन सा वाला ऑप्शन है इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, 1/2 + 1/2 + 1/2 का मान कितना होगा, तो आधा आधा 1 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं तो उनकी औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है, तो सबसे पहले जो टोटल वर्ष कितने हो जाएंगे, 15 × 11 165 वर्ष तो ये हो गए। अब है 9 वर्ष के 5 लड़कों की, 9 वर्ष के जो 5 लड़के हैं तो 45 एज इनकी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अब उनकी जो नए 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाए तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो सबसे पहले अगर टोटल कितना हो जाएंगे, अब 45 + 45, तो 45 + 45 कितना हो जाएगा आपका 210, 210 वर्ष हो जाएंगे। अब हमें न्यू एवरेज ज्ञात करना है, तो नया एवरेज जो टोटल वर्ष है 210 है, और टोटल बच्चे कितना हो जाएंगे, 15, और ये कितना है, सॉरी कितना है, ये 15 लड़कों की औसत आयु 11 है और 9 वर्ष के 5 लड़के, तो 15 लड़के ये हो गए और 5 लड़के बाद में जोड़े गए, अर्थात 20, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, तो 10.5 वर्ष। तो अब जो न्यू एवरेज होगा वो 10.5 वर्ष होगा, अर्थात जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब है क्वेश्चन नंबर 111, 1 - 27p³ का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब जो ये वाली इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है कि a³ - b³ का जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका a - b और a² + ab + b², ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब देखो a³ - b³ होगा a - b² + ab + b², तो अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर, a³, इसको a³ कैसे करेंगे, देखो a का a³ एक ही होता है, और 27p³ को कैसे लिखेंगे, 3p³ कैसे लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं a³ - 3p³, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का क्यूब एक ही होगा और 3p³ क्या होगा, 3 3 9 27p³। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो 1 - 3p, तो a का स्क्वायर 1 प्लस ए बी प्लस ए बी, तो 3p हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो 9p² जो ये वाली इक्वेशन है, तो ये जो भी इक्वेशन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है, 1 - 3p, 1 + 9p² + 3p, जो ए वाला ऑप्शन है वही आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 112 कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की आपको लंबाई ज्ञात है यहाँ पर करनी है। तो चलिए हम देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगता है सिंपल से, x = vt से, कि x आपकी डिस्टेंस है, v आपकी जो स्पीड है, और t टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, अब हम क्या मान लेंगे, किसी कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो हमें दे रखा t क्या है, 15 सेकंड, ठीक है जी। और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पूरी करते हैं, मतलब दो चीजें यहां पर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो ट्रेन है, चलो हम इसमें मान लेते हैं कि ट्रेन क्या है, ट्रेन चल रही है आपकी x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो भी है, x मीटर पर सेकंड। और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, ट्रेन की लंबाई है y मीटर, ठीक है, क्योंकि ट्रेन जब खुद चलेगी तो उसकी खुद की लंबाई भी तो पार होगी। तो आपकी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और लंबाई कितनी है, y मीटर है। अब चलो हम खंभे को लेते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर, एक खंभे के बारे में बात कर रहा है और दूसरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें। तो खंभे में लगाते हैं x = vt का फॉर्मूला। तो खंभे के लिए, क्योंकि खंभे की जो लंबाई होगी उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, वो ना के बराबर है, तो खंभे की जो लंबाई के लिए हम उस टाइम केवल और केवल ट्रेन की लंबाई को ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। तो ट्रेन की लंबाई यहां पर y हो जाएगी, और v कितना है, वेलोसिटी है, जो आपकी स्पीड है। तो स्पीड क्या है, जो ट्रेन की स्पीड है ये, तो वो कितनी है, x है। और टाइम कितना है यहां पर, 15 सेकंड लग रहा है,
तो पहली वाली जो इक्वेशन बन गई वाई बराबर 15x, ये क्या है खंभे के लिए। अब दूसरी है प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए देखते हैं। प्लेटफॉर्म की बात बात बारे में अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर। तो x बराबर vt वाले फॉर्मूले से प्लेटफॉर्म, यहाँ पे x क्या है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पार करेगा, एक ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अर्थात y प्लस 100। भी कितना है यहाँ पर, तो भी तो जो इसकी स्पीड है ट्रेन की वो तो कितनी है, वो तो x है ही। और टाइम कितना है यहाँ पर, 25 है। तो y प्लस 100 बराबर 25x, यहाँ पर ये वाला दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये भी, तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो y बराबर 15x, तो y से y कट गया, 25 में से घटा रहे हम यहाँ पर, 25 में से 15 कितना हो गया 10x बराबर, इधर आपका 100 बच गया, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, ट्रेन की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर, उसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं। और हमें चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी वाई, तो कुल मिला के वाई वाला जो फॉर्मूला है ना, वाई बराबर 15x, तो x का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 15 × 10 अर्थात 150 मीटर। तो इसका मतलब b वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्न में सही संबंध क्या है। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं काफी सारे संबंध है, डेकोमीटर यहाँ पे काफी दिख रहा है, 1 किलोमीटर 1000 100 डेकोमीटर। तो सबसे पहले डेकोमीटर होता क्या है कि जो 1 डेकोमीटर होता है वो आपके पास हो जाता है 10 मीटर, ठीक है। तो अगर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो 1 किलोमीटर में आपका हो गया 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर डेकोमीटर में बदल देंगे तो 10 का भाग देंगे और तो बराबर 100 डेकोमीटर, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन नहीं है वही आपका सही है। अगर हेक्टोमीटर की बात करें तो 1 हेक्टोमीटर आपका हो जाएगा 10 डेकोमीटर, और 10 डेकोमीटर इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डेसीमीटर की बात करें तो डेसीमीटर कितनी हो जाती है, वो भी आपकी 100 मिलीमीटर होती है। और डेकामीटर क्या है, ये गलत दे रहा किसने, ये 1 डेकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर होता है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, ये आप समझ लेंगे कि 1 डेकोमीटर बराबर डेकोमीटर बराबर होता है 10 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं कि एक समुच्चय आपके पास दे रखा है, एक सेट दे रखा है, हमने b माइनस ए ज्ञात करना है। b माइनस ए का मतलब है कि जो केवल केवल b में है और a में बिल्कुल ना हो, ठीक है। मतलब a वाला हमने लेना ही नहीं है, केवल केवल जो b में है। तो अगर आप देखेंगे a तो केवल केवल a में है, और b में केवल e और f है, और a और b दोनों में क्या है b c d है, ठीक है, ये दोनों का कॉमन है। तो हमने केवल क्या लेना है, जो केवल और केवल b में हो, ना कॉमन हो और ना ही वो a में हो, तो वो कौन है, केवल e और f है। तो इसका मतलब जो यहां पर है वो कौन सा है, a वाला ऑप्शन हो जाएगा, e और f इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि दिए गए वृत्त o वृत्त का केंद्र है यदि om कितना है 4 है, oa है आपका 5 सेंटीमीटर है, और om लंब ab पर है, om जो क्या है वो ab पर क्या है परपेंडिकुलर यहां पर है। तो हमें a और b का मान यहां से लेकर यहां का मान निकालना है। तो देखिए यह यहां पर क्या बन गया, एक जो त्रिभुज है यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये बन गया है। तो ये 5 है या 4 है, तो ये वाली जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी इसकी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला है कि यहाँ पे लंब है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 5×5 25 हो जाएगा, माइनस 4×16 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और a बराबर आपका हो जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जितना इधर 3 है उतना इधर आपका 3 हो जाएगा आगे की तरफ। तो am बराबर 3 और mb बराबर, ये दोनों क्या होता है सेम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात जो c वाला ऑप्शन है वही आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। भाई त्रिभुज का जो अनुपात है तो हम लिखेंगे 2x + 3x + 5x, ठीक है। तो हमने x कॉमन फैक्टर यहाँ पर मान लिया, और 3 यहाँ पर रेशियो दे रखे हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 3 × 2 = 5 = 5 = 10x बराबर हो जाएगा 180। तो जो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है उसका मान हो गया 18 डिग्री, ठीक है। तो अब आप लेंगे हमें 2, 3 और 5, हमने प्रत्येक कोण की माप याद करनी है, तो 2x आपका हो जाएगा 36, 3x हो जाएगा 54 डिग्री, और 18 यहाँ पर होगा 90 डिग्री। तो 36
94 और 90 डिग्री, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कि श्याम ने एक पुरानी साइकिल 136 में बेचकर 15% की हानि पाई, वह उसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ पा सके, ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो श्याम ने अपनी पुरानी साइकिल क्या 15% की हानि पर बेची, मतलब जितना उसका रेट था उसका 85% में वो बेच रहा है। इसका मतलब जो 136 है वो उसके एक्चुअल रेट का 85% है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 85% ऑफ जो एक्चुअल रेट मान लेते हैं एक्स है, तो 85% ऑफ एक्स बराबर कितना है 136 हो गया, ठीक है। ये आपका 136, एक सेकेंड, 360 हो गया है ना, 1360। तो 85 ऑफ एक्स आपका हो गया 136, और यहां से आप क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे जो एक्चुअल में कीमत कितनी है इसकी। तो आप इस तरह से करेंगे इसको 136 गुणा 100 और बट्टे आपका कितना हो जाएगा 85 नीचे। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या बोलना है कि वह उसे कितने बेचेगी 15% का लाभ उसे प्राप्त हो। तो 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब हमने 100 की 100 का जो चीज है उसको हम 115 में बेचें तभी तो 15% का लाभ करेंगे। तो हमने हमारा जो एक्चुअल रेट है वो इतना है, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करें 15% इसमें ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब 115/100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से आपका आ रहा है 184, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कि यदि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखो 8 व्यक्ति क्या है 10 दिन में समाप्त करेंगे, इसका मतलब एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा 80 दिन में समाप्त करेगा। तो जब एक व्यक्ति 80 दिन में समाप्त करेंगे तो 10 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे, तो भाई 10 का भाग आप 80 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन ए वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है कि किसी संपत्ति एक संपत्ति है एक्स वाई जेड के में बांटी जाती है, एक्स और वाई मिलकर 7400 पाते हैं, इसका मतलब एक्स प्लस वाई का जो हिस्सा है वो 7400 है। दूसरा है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड मिलकर कितना पा रहे हैं 9500, और दूसरा है जेड प्लस एक्स मिलकर कितना पा रहे हैं 8500। हमें क्या करना है तो किसका हिस्सा पूछ रहे हैं यहां पर, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये मिसप्रिंट हो गया, y का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। y का हिस्सा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो y का हिस्सा ज्ञात करें हम सबसे पहले क्या करेंगे इनको सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 0 5 5 10 7 14 और 9 और 8 17 7 7, ठीक, 1 25, ये आपका हो जा रहा है 254,000। और यहां पे हम क्या करेंगे 2 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 7 14 और 0 0, 1,27,000 इसका आंसर। मतलब ये है कि x प्लस वाई तीनों का हिस्सा जो है वो टोटल जोड़ के ये है। हमें y का पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे y का पूछा है तो z और x को हटा देंगे। तो z और x को हटाने के लिए जो ये वाले तीसरी क्वेश्चन है z प्लस x 8500, इसको यहाँ इसको इससे क्या करेंगे इससे इसको घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं z प्लस x अर्थात x प्लस z एक ही बात है, बराबर है 8500, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर बच जाएगा आपका y, और इसमें से इसको घटाएंगे आप 0 0 7 5 2 और 12 में से 8 गया 4 4200, ये आपका यहाँ पर आंसर बच गया, अर्थात कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ये बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 270 और 405 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है, तो अगर आप 270 और 405 का जो एलसीएम है उसको आप निकालते हैं तो एलसीएम आपका है यहाँ पर इसका आ जाएगा 810, और एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ है 135। तो हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 810:135, ठीक है। तो ये कितने बार जा रहा है 5×30, तो 6 बार ही जा रहा है, 6.6:1, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा ए। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 राम और गोपाल के पैसों का अनुपात। अब देखो राम और जो गोपाल है वो है 7:17 में,
तथा गोपाल और कृष्ण के पैसों का अनुपात भी इतना है, और गोपाल और कृष्ण के पैसों का अनुपात भी 7:17 है। यदि राम के पास 490 रुपए है तो कृष्ण के पास कितने होंगे? तो सबसे पहले हम तीनों का देखते हैं कि तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, राम, गोपाल और कृष्ण। तो कितना हो जाएगा, राम का 7 है ये, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 7:17, तो 7×7=49 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा राम का, आ जाएगा 49, और 17×7 ये हो जाएगा 119, और फिर वही 17×17=289। ठीक है, तो तीनों का रेशियो मिलके आपका आ गया ये। हमें किसके बारे में पता है, जो राम का है। ठीक है, तो जो भी है रेशियो 49:119 और इतना, तो चले हम राम का निकाल लेते हैं। हमें अभी तो एक्चुअल में पता नहीं कि टोटल किसके पास कितना है। ठीक है, कृष्ण के पास हमने निकालना है, तो राम के पास 49x हम टोटल निकाल लेते पहले, और तीनों का जोड़ कितना होता है, ऐसे ही करते हैं ना, 457, ये कितना है, 490 रुपए। किसका हिस्सा है, राम का हिस्सा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमने x मान लिया, तो टोटल x कितना है वो हमने पहले निकालना है। तो यहां से आप x सॉल्व करेंगे तो 490×457 और बटे 49, तो ये आपका 10 हो गया, और कुल मिला के 0 लग जाएगा, 4570, ये टोटल रुपए है, x का मान इतना है। ठीक है, अब हमें निकालना कितना, कृष्ण के पास, और कृष्ण का कौन सा है, 2, 8 और 9, तो 2, 8, 9 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब तो ये 10 का गुणा हो जाएगा ना इसमें, 457। ठीक है, और x कितना है, 4570, तो भैया 10 ही तो बचा ऊपर, तो कुल मिला के 2890 ये उसका हिस्सा है। 2890 कौन सा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि रुपया 1000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिश्रधन 1210 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला क्या है इसका, a बराबर P1+R/100n, ये आपका जो मिश्रधन हो गया, p प्रिंसिपल अमाउंट जो है मूलधन, r जो भी जो क्या है कितने दर से है, और n जो नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है, तो ये बोला है कि रुपए 1000 का r आपको 10% दे रखा है, p आपको 1000 दे रखा है, और कितने दर से मिश्रधन 1210 हो जाएगा, और a भी आपको दे रखा है, कुल मिला के सब कुछ आपको दे रखा है, 1210 आपको दे रखा है, a p आपका है 1000 दे रखा है, 1+R हमें निकालना है, और नीचे 100 ही है, और ऊपर n 10%, सॉरी r भी तो दे रखा है 10, हमें n निकालना है भाई। ठीक है, तो 1210, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, 121/100, 10 से यहाँ पे 10 कट गया ना, और 1+1/10^n, चलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 121/100 बराबर 10 और 1 11/10^n। अब हम इसको 121/100 को हम लिख सकते हैं 11/10^2। ठीक है, और यहाँ है 11/10^n, तो कुल मिला के एन बराबर हम 2 लिख सकते हैं फिर, तो एन आपका क्या है, 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, तो हमने इसकी पावर को सेम कर दिया। अब यहां पर क्वेश्चन 123 पूछ रहा है, ये x बराबर 1, 2, 3, 4 है, सबसेट है, ये आपका एक समूह ये है, y का मान इतना है, z का मान इतना, तो x यूनियन y यूनियन z का मान क्या होगा, तो इन सब को मिला लेंगे, और डबल किसी को नहीं लिखेंगे, तो सबको लिखेंगे जितने आ रहे, तो x में क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, y में 3, 4, तो 3, 4 x में आ गया, तो जो बचा 5, 6, और z में क्या है, 5, 6 से शुरू है, तो 5, 6 पहले आ गया, तो जो बचा 7, 8, तो जिसमें ये वाले हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो सी वाला ऑप्शन ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है, m की पावर n बराबर 25 है, तो n की पावर m का मान क्या होगा। भाई m की पावर n 25 कब हो सकता है, m का मान यहाँ पर क्या होगा, जब 5 होगा, 5 की पावर 2 तभी तो 25 हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो m की पावर n क्या है, 25 है, तो 5 की पावर 2 आएगी तब 25 होगा। अगर हम इसको n की पावर m करते हैं, उल्टा करते हैं, अब 2 की पावर 5, तो कितना होगा, 2 की पावर 5 होगा 32। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है और एक्स वाई बराबर 21 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, एक्स प्लस वाई
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें जो चीजें क्या क्या पता है, हमें एक्स प्लस वाई तो पता है 10 है, एक्स वाई पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हमको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, तो चलो इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई हमें पता 10, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी पता चल जाएगा हमें 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमें पता है 10 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब हमें निकल जाएगा, क्योंकि टू एक्स वाई, एक्स वाई का मान हमें फिर पता है 21 है, तो टू एक्स वाई का मान हो जाएगा 21 × 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 में से आपका 42 घटेगा तो 58। तो कुल मिला के हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता चल गया, एक्स वाई का मान हमें पता है और एक्स प्लस वाई का मान भी हमें पता है, तो ये 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 58 और माइनस एक्स वाई का मान है 21। ठीक है, तो यहाँ से 58 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, गुणा 10 बराबर आपका हो जाएगा 370। 370 बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि 6 की जो पावर है वो 2/5 है और गुणा है 6 की पावर 3/5। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस आपका दोनों का सेम है, तो जब बेस सेम होती है, पावर अलग अलग होती है, तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा इसको, 6 की पावर 2/5 + 3/5, तो आप जोड़ लेंगे इसको, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5/5, तो चलो 1 ही हो गया इसकी पावर, तो है मतलब 6 की पावर 1 हो गई। तो 6 की पावर 1 हो गई तो उसका आंसर भी आपका 1 वो हो जाएगा क्या, 6। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं कि चित्र में कोण ए बी सी की माप, ए बी जो बी वाला कोण है, ये वाला ठीक है, ए बी सी की माप। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ए कोण दे रखा है, कौन सा, ई डी सी, ये 120 है, 120 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक त्रिभुज तो ये हो गया ए बी सी और दूसरा होगा ए डी सी, दोनों ही आप ये क्या है, ये आपका सर्वांगसम हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाली कॉमन है, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90, इसका मतलब ये वाला और ये वाला कोण भी आपका सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी सेम होगा, तो जो कोण डी है वही कोण बी होगा, तो इसका मतलब बी वाला जो ऑप्शन है 60 डिग्री, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 का क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की बात कर रहे हैं, संख्या 3.75 × 10⁻⁷ और 3 × 3/4 × 10⁻⁷ और 375 × 10⁻⁹ और ये है 3/8 × 10⁻⁷ दी गई है, इनमें से कौन संख्या इसके बराबर नहीं है। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो अगर इसके बराबर देखें तो कितना लगा है भाई, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 लगा है पीछे। ठीक है, तो 3.75, 2 दशमलव लगा है, 7 दशमलव पीछे चले जाएगा, तो 9 दशमलव, मतलब ये वाले जो पहला जो है वो इसके बराबर है ही, मतलब ये समझ लो आप कि 0.9 अंकों के बाद लगा है। ठीक है, तो पहले में 2 के बाद लगा है, × 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁷ का मतलब कि 7 और पीछे ले जाएगा, तो पहला वाला तो इसके बराबर है, तो ये तो इसका मतलब कि ये आपका आंसर है नहीं। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका, तो 4 × 3 = 12 × 3 = 15/4, तो 15/4 का मतलब क्या है, तो 4 × 3 आपका 12 हो गया, और 12 × 3 = 15, 4 × 3, तो यहाँ पर 4 × 7 = 28 और 2 × 3 = 30, 4 × 3 = 20। ठीक है, तो ये हो गया इतना, जो दूसरी वाली है 3 × 3 = 3/4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पहले से, तो ये वाला दोनों सेम हो गए, ये वाला ये सेम ही है, 375 × 10⁻⁹ - 9, तो यहां से अगर आप पीछे 9 ले जाएंगे तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, 3/8 × 10⁻⁷, 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा, हाँ ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 3/8 दशमलव पहले लग जाएगा और फिर 7 दशमलव और पीछे चले जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो ये वाला ऑप्शन है 3/8 × 10⁻⁷, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी 4 प्लस ये आपका अंडर रूट में 44 है,
प्लस 1000 का अंडरवुड इसको आप ओपन कर लेते हैं, तो 1000 का अंडरवुड कितना हो जाएगा, क्या है 10000 का, तो 20 कट के 100 हो गए। अब अंदर कितना बच गया, 144, तो 4 प्लस अंडरवुड में 144 और 4 प्लस अंडरवुड 144 बराबर कितना होता है 12, तो अब कितना हो गया 12 4 16 और 16 का मान कितना होता है 4, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब ये पूछ रहा है कि एक घड़ी 8 बजे है तो घंटे और मिनट की सुई, भाई सीधी सी बात है घड़ी, आप खैर ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 8 है, तो मतलब कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो जो ये 8 पे ठीक 8 पे और ये मिनट की सुई ठीक 12 पे है, तो मिनट की सुई जो एक घंटे मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में आप कितने घूम जाएगी, 6×36 डिग्री। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना है 8 फिर 9 10 11 और 12, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 5 10 15 20, लगभग 20 मिनट यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी मिनट में अगर आप देखेंगे तो 20 मिनट आई है 8 से 12 के बीच, तो 20×6 आप करेंगे तो 20×120 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है वो 120 डिग्री है। और वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच 90 है, ठीक है, और फिर ये आपका 3 और हो गया, ठीक है, तो 120 डिग्री कन्वर्ट किया है, 6 जो ए वाला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं, किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 35% से 25 कम है तो वह संख्या, हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं एक्स है, तो देखो 30% किसी संख्या का 25% 30% से कितना है 15 कम है, तो चलिए हम क्या कर देंगे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 30x/100 में से हम जब क्या करेंगे 25x/100 करेंगे तो 15 कम है तो 15 आ जाएगा, तो जो x का 30% है उसमें से हम 25% घटाएंगे तो 15 आएगा ना, तो यही वो पूछ रहा है, तो 30 में से 25 गया तो 5x/100 बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15×100/5, तो आप 3 करेंगे और 100 दिया 300 हो गया, एक सेकंड ये भी लो गए बैटरी, तो 100 दिया कितना हो जाएगा 300, तो कुल मिलाकर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती हुई एक सुरंग को एक मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो चलिए हम मान लेते हैं सुरंग की लंबाई x है, तो फॉर्मूला तो यहां पर वही ले जाएगा, हर जगह इसका फॉर्मूला एक ही लगता है x बराबर vt। चलो हम देख लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, वह है 72 किलोमीटर पर आवर, तो चलिए हम इसको किस में बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, तो मीटर सेकंड में अगर आप बदलेंगे तो 72×5/18, तो 18×72 20 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। दूसरा है टाइम, एक मिनट है अर्थात एक मिनट मतलब 60 सेकंड है, ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चल गई कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम आपका 60 सेकंड है, और जो एक्स है दूरी डिस्टेंस कौन सी है, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और सुरंग की लंबाई कितनी ये नहीं हमें पता, तो सुरंग की हमने मान लिया एक्स लंबाई है, तो टोटल एक्स कितना हो जाएगा 700 और प्लस जो डिस्टेंस है, चलो हम इसको वाई मान लेते हैं, वाई क्या है सुरंग की लंबाई है और 700 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, तो भी कितना है, भी कितना है 20 और टाइम कितना है, तो टाइम आपका हो गया अब 60 हो गया, तो 6×12 ये हो गया, तो वाई बराबर 6×12 ये हो गया माइनस 700 इधर हो जाएगा, तो 12 में 7 गया आपका 500 हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है कि एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की कितनी भुजाएं होती है, अब पिरामिड क्या होता है, जैसे आपने प्रिज्म तो देखा ही होगा, ये आप समझ सकते हैं इस तरह से कुछ होता है, नीचे एक स्क्वायर होता है और सभी जगह से एक पॉइंट पे इस तरह से यहां से भी जाता है, यहां से भी जाता है और यहां से भी जाता है, ठीक, कुछ अच्छा नहीं बन रहा वैसे, ठीक है, चलो कुछ थोड़ा अच्छा ही बना लेते इसको, ठीक है, इसमें इतना अच्छा बनता नहीं किसी टाइम, ठीक है, यहां से भी ये भुजा यहां से हो गई, ये भुजा यहां से हो गई, अब थोड़ा काफी कुछ ठीक बन गया, तो अगर आप देखेंगे अब कितनी भुजाएं होगी इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो ये जो पिरामिड है इसकी कितनी भुजाएं होती है, 8 भुजाएं होती है। क्वेश्चन नंबर है 135 कि 0.000343 की पावर 1/3 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको करेंगे तो चलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
इस वाले को कैसे लिखते हैं हम, इसको 3 4 3 अगर लिखेंगे तो 10 की पावर कितना करना पड़ेगा, कितना, 10.1 2 3 4 5 6, 10^-6 लिखना पड़ेगा, और 1/3। अब इसको या तो 1/3 की पावर, इसमें इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7^3 × 10^-6 की पावर 1/3। अब अगर इसको करेंगे तो 7^7 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये 7 बच जाएगा, × 10^-6 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 10^-2, तो ये होगा 7 × 10^-2, बोले तो 7/100, कौन सा है, हाँ ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि परीक्षण आपके पास दे रखा है, हमने आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, तो चलिए हम इसको ऑर्डर में रख लेते हैं, 1 6, फिर दूसरा 6 है, फिर 2 बार 8 है, 9 कितनी बार है, 3 बार है, और फिर 1 बार 14 है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, ठीक है। अगर इनके, अब ये सम संख्या है, तो इसके माध्यक जो होंगे, माध्यांक जो माध्यिका है 2 होंगी, जो 2 बीज के, देखो 2 बीज के कौन कौन से हैं, 1 8 और 1 9, ठीक है, तो 3 इधर से बच गए, 3 इधर से बच गए, तो इन दोनों का जो औसत है वही हो जाएगा 8 9 17/2, ठीक है, तो 17/2 8.5 इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 137 कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है, 35.2 मीटर है, मैदान का व्यास, तो कुल मिला के हमें दे रखा है 2πr = 35.2, तो हमें निकालना है 2r अर्थात व्यास, तो 35.2/π का मान है 3.14, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 11.21, आगे पता नहीं क्या क्या आता है, तो कुल मिला के इतना आपका आंसर आ जाएगा, 11.2 है, एक अंक तक की बहुत है, डी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है कि √2, √3 और जो ये है √4, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2, 3 की पावर हम लिख सकते हैं 1/3, और 4 की पावर हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पावर है ना, इनको, इनका आप एलसीएम लेके इनको कॉमन कर लेंगे, तो कितना होता है 1/2 और 1/3 और 1/4, अगर आप देखेंगे तो इनकी कॉमन कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 12, तो हम क्या करते हैं सबकी पावर हम 12 बना देते हैं, मतलब सबकी पावर में 12 का गुणा करते हैं, तो सबकी पावर में 12 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 12/2 अर्थात 6, 3 की पावर होगी 12/3 अर्थात 4, और 4 की पावर होगी 12/4 अर्थात 3। अब देखिए इनमें से कौन बड़ा है, तो जो बड़ी संख्या आप आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 32 और 64, 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा, 4 6 16 6 64, तो ये वाला बड़ा है अर्थात 3 की पावर बड़ी है 4 अर्थात ये वाला, बोले तो √3 यही आपकी सबसे बड़ी संख्या है यहां पर, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहां पर है 139वां वाला क्वेश्चन कि एक हौज आपके पास 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद भी है, वो होने से 1 घंटा अधिक लेता है। अब एक हौज, एक नल, देखो अब यहां पर क्या है कि एक टैंक है आपके पास, एक नल तो यहां लगा है जो इसको भर रहा है, एक नल यहां लगा है या छिद्र जो भी आप बोल सकते हैं जो इसको खाली कर रहा है, तो जो नल भर रहा है वो 9 घंटे लगाता है, इसका मतलब 1 घंटे में वो केवल 1/9 पार्ट केवल भर पाता है। अगर जब छेद यहां पर चालू है तो 1 घंटा अधिक लगाता है, इसका मतलब 1 घंटे में फिर कितना, केवल 1/10 पार्ट तो भर पाता है, ठीक है, यही तो होगा ना कि 1 घंटे में 1/9 पार्ट भर रहा है, और जब उसके छिद्र छेद से क्या है पानी निकल रहा है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 10 घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में 1/10 पार्ट भरा गया, तो ये इसको भर रहा है, और इतना थोड़ा थोड़ा इसका आपका खाली भी होता जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि खाली कितना हो रहा है तो 1/10 - 1/9, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 90 10 में से 9, ठीक है, तो 1/90 भाग, ठीक है, 1/9 माइनस, हमने उल्टा घटा दिया इसको, 1/9 - 1/10, क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ठीक है, तो 1/90 इतना भाग क्या है लगातार खाली होता जा रहा है, क्योंकि आपको हमने बोला कि छेद खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 1/90 पार्ट वो क्या कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, इतना पार्ट वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा, जो टोटल 1 पार्ट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 90 घंटे लगाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, यदि अंडररूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13 बटे 12 है तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे आप, 144 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखेंगे नीचे 144, ये 13 बटे 12 है ना, तो इसको भी हम अंडररूट में लिखेंगे। तो 13 को अंडररूट में लिखेंगे 169 और 12 को लिखेंगे 144। तो देखो ये वाला सेम है, तो इसको मतलब ये वाला और ये वाला भी आपका सेम ही होने वाला है। 144 प्लस एक्स बराबर 169, तो एक्स बराबर हो जाएगा 169 में से 144 आप इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो 140 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, आकृति एबीसी एक त्रिभुज है और एबीडी की माप, अब देखो ए बी ये वाला हमने निकालना है। अब देखिए ये 119 है ना, कौन सा, ये 119 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा कोण है 180, तो 119 है तो ये हो जाएगा आपका 61 डिग्री, तो ये हो जाएगा। अब देखो 62 डिग्री ये हो गया, 61 डिग्री ये हो गया, तो इन दोनों का जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो ये त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। तो 62 और 61 कितना हो जाएगा, 6 12 123, 123 डिग्री ये हो गया, और 180 में से 123 डिग्री घटा दो तो 10 में से 3 गए आपका 7 और 57 डिग्री, जो कोण बी है उसका मान 57 डिग्री है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वह पूर्ण संख्या, वह संख्या जो पूर्ण हो तथा 10 15 12 15 18 से विभाजित हो। चलिए अब इसका तो हमने एलसीएम टाइप का ही निकालना पड़ेगा हमें, 10 12 15 और 18, ठीक है पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना, तो 2 का 2 5 10, 2 6 का 12, यहाँ 15 2 9 18 हो जाएगा। अब तो 2 से एक बार और जाएगा, 5 अपनी जगह, 3 15 और 9, एक बार 3 से करते हैं, 5 अपनी जगह है, 3 5 15, 3 3 9, एक बार और 3 से चले जाएगा और ये 5 अपनी जगह है ही, एक बार ये 5 से जा रहा है। तो कुल मिला के देखो अगर यहाँ देखेंगे हम, क्यों हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, तो पूर्ण वर्ग क्या चाहिए, इनके जोड़े चाहिए, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं। अगर हम 1 5 का गुणा इसमें और करेंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्गीय होगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 1 5 का गुणा और कर लेंगे, ठीक है। तो 2 × 4 = 12 × 3 = 36, ठीक है, 5 × 5 = 25, तो 36 गुणा जो भी आपका 25 हो रहा है, तो 25 का, ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है आपका, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 × 6 = 30, 900, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है कि एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या, देखो भाई कुल टोटल वोट है 100%, ठीक है, एक को मिला 41% तो दूसरे को कितना मिला होगा, फिर सीधी सी बात है 59% मिला होगा। अब ये बोल रहा है कि जो हारा वो कितना वोट से हारा, 270 वोट से, ठीक है, तो कुल मिला के 59% में से अगर हम 41% घटाएंगे तो 270 हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट हमने x मान लिया, तो 59% किसका, x का परसेंट 59/100 माइनस 41% ऑफ x बराबर कितना है मेरे पास, 270 है, तो 59 में से 41 अगर आप घटाएंगे तो 9 में से एक आपका 8 हो गया, 5 में 4 गया 1, 18 x बटे 100 बराबर 270, तो x बराबर 270 गुणा 100 बटे 18, ठीक है, तो ये क्या होगा 18 15 की 270 गुणा तो 1500, जो ये बी वाला ऑप्शन है ये इसका सही जवाब हो जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 है, यदि मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 पर समाप्त होती है, कालांश जो वादन यहाँ पर 4 वादन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं गया, 4 वादन है यहाँ पर और कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया जाता है, तो हर कालांश की जो वास्तविक जो अवधि है वो कितनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है। अब देखिए 1 बजे से शुरू होती है और 3:52 पे वो खत्म होती है, इसका मतलब 2 घंटे 52 मिनट यहाँ पर मिलता है, तो 2 घंटे हैं और 52 आपको मिनट मिल रहे हैं, 2 घंटे 52 मिनट का मतलब है 120 मिनट प्लस 52 मिनट आपके ये हो गए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 172 आपके पास मिनट मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 वादन है, तो 4 वादन है ना, 1 2 3 4,
बीच में कितनी बार टाइम मिल रहा है चेंज करने का, जो कक्षा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 4-4 मिनट मिल रहा है ना, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक यहाँ भी मिलेगा जब पहले से दूसरे वादन में जाएगा, जब आपका दूसरे से तीसरे वादन में जाएगा तब चेंज होगा, और जब तीसरे से चौथा वादन में जाएगा, अर्थात 3 टाइम पे यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो 3 चको 12, 12 मिनट कौन से मिल जाए, कौन सा है जो हमें 4 मिनट का समय दिया जा रहा है प्रत्येक एक टाइम पे, तो जो 12 मिनट है इसको घटा देंगे, तो 172-12 अर्थात ये आपका हो जाएगा 160। तो कुल मिला के जो टोटल जो पढ़ाने के जो वादन है वो 160 मिनट के हैं, क्योंकि 4 वादन है तो 160, तो 40 मिनट का एक वादन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक कालांश है आपका वो 40 मिनट का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए वो हम लेते हैं कि ये संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है एक्स है और दूसरी संख्या क्या है वाई है। तो ये बोला किसी संख्या का 30%, मतलब जो एक्स का 30%, तो 30x/100 दूसरी संख्या से जोड़ा जाए, तो वाई में जोड़ा जाए तो आपको क्या मिलेगा, दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 गुनी हो जाएगी, इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें इसको ही सॉल्व करना, तो चलिए वाई को हम इधर ले आते हैं, तो वाई को इधर ले आएंगे, तो 15y/6 - y, तो 15 में 6 गए 9y/6, तो 9y आपका 6 हो गए, और ये किसके बराबर होगा, 30x/100 अर्थात चलो एक जीरो से एक और कर दे, 3/10 x है। तो हमें क्या निकालना है, x ratio y, तो x/y आप अगर निकालेंगे तो x/y तो 9 × 10 ऊपर चले जाएगा और 6 × 3 = 18 बच जाएगा नीचे, तो 90/18 और 18 × 5 = 90, तो 5:1 ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 146 है, क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में 100 रुपए में बेचकर ₹10 लाख प्राप्त करता है। जब वो 100 रुपए में बेचता है तो 10 रुपए को उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वस्तु कितने की, 90 रुपए की वस्तु है और उसको वो बेच रहा है 100 रुपए में, तो 10 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो लाभ हुआ, परसेंटेज निकालना हमने, 10 वस्तु कितने की, 90 × 100, तो कुल मिला के आपने क्या करना है, 9 का भाग 100 में देना है आपने, तो क्या हो जाएगा, 9 × 11 = 9, 1/11 सही, 1/9%, तो ये वाला सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, 147 का बी बराबर क्या दे रहा है, बी बराबर इस तरह से है, ये √b = 4a, हमें निकालना है a² / b, तो चलो हम इसका ही स्क्वायर कर लेते हैं, तो b बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 4 का हो जाएगा 16 a², तो यहां से हम a² / b निकाल सकते हैं, तो a² / b निकालेंगे तो 1/16 आ जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, 148 है कि संख्या -20 -3/4 1/2 और 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग की बड़ी, जो अपना स्क्वायर से बड़ा कौन होगा। देखो जो माइनस है, माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और माइनस से जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा ही बड़ा होता है, तो इन दोनों का तो हो नहीं सकता, 1/2। अब 1/2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करके 1/4 हो जाएगा, तो देखिये ये वाला यही वो संख्या है जो अपने वर्ग से क्या है, बड़ी है, तो 1/2 1/4 से बड़ी है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा तो वो तो बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 है, जो कि इस संख्या से छोटा है, तो इसका मतलब 1/2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो बताइए 30 वर्ष में वो कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का होता है, p × r × t/100, पी आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जिस रेट से वो लग रहा है, जैसे दर 10 जो भी, मतलब हमें नहीं पता कितना यहाँ पे नहीं दे रखा, टी आपका टाइम है। अभी बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की 10 वर्ष में दुगुना होता है, 10 वर्ष में दुगुना का मतलब है कि पी आपका 10 वर्ष बाद 2p होगा, पी 2p कब होगा, इसका मतलब कि 10 वर्ष बाद जो पी प्रिंसिपल अमाउंट पे पी का ही आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 10 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट वो पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम रखेंगे पी और प्रिंसिपल अमाउंट पी है आर, आर हमें नहीं पता, टी है आपका 10/100, तो पी से पी कट गया, तो यहां से आप आर निकालेंगे, आर आपका आ गया यहाँ पे 10%, ठीक है, तो आर क्या है 10%। अब हमें पूछा है कि बताए 30 वर्ष में कितना होगा, तो 30 वर्ष में हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना हो रहा है, पी अपना ठीक है, आर आपको पता चल गया 10, टी भी आपको कितना है, टी 30 पता चल गया, समय दे रखा है 100, तो कुल मिला के
सिंपल इंटरेस्ट 3P हो रहा है, ठीक है। तो 30 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट 3P होगा, अपने आप प्रिंसिपल अमाउंट P है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपके पास 3P और ये हो जाएगा 4P, तो कुल मिलाकर टोटल 4P हो जाएगा। 30 साल बाद जो अमाउंट है वो 4P हो जाएगा, तो अपने का 4 गुना ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 150। अच्छा ये आपको सॉल्व, एक्स का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा 5x-5 और माइनस 2 × 4 हो जाएगा, और इधर आपका फिर हो जाएगा -2x हो जाएगा, नीचे आपका 1-x है और इधर आपका 3 है, चलो उधर भी कर लेंगे एक बार। तो 5 में से 2 गया तो 3x इधर बच गया, और -5 -9 हो जाएगा, ठीक है। और 1-x को इधर ले जा लेते हैं, 3 से गुणा कर दो, 3-3x हो जाएगा, तो चलो 3 और 3 इधर हो जाएगा 6x, और 9 में इधर ले जाता हूं तो 9 और 3 12 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए वाला जो आंसर है वही इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन हो गए, आपके जो 2014 का पेपर था उसके जो मैथ्स पोर्शन है वो भी आपको कंप्लीट करा दिया है। तो 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा चुके हैं आपको, अब जो बचे हैं 50 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आने वाले टाइम में इसको हम एक दो दिन में इनको भी करा लेंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो है वो आपको समय समय मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।